मिशन 2024 के ट्रैक पर दौड़ रहे सरकार और संगठन रोयलखंड की राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक धुरी बरेली को खास तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। योगी कैबिनेट में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय संभाल रहे कद्दावर मंत्री जयवीर सिंह को जिस तरह सरकार ने वाराणसी एवं बरेली का प्रभार सौंपा है, उसे देखते हुए लग रहा है कि पर्यटन विकास के बड़े विजन के साथ बरेली की बल्ले बल्ले होने वाली है। बरेली उत्तराखंड का गेटवे है तो दुनिया को अपनी तरफ खींचने वाले दरगाह आला हजरत, नाथ मंदिर, रामनगर, अयछत्र जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भी अपने अंदर सहेजे है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए जिस तरह से बरेली के अंदर होटल इंडस्ट्री के विकास का आधार तैयार हो रहा है, उसे देखकर उम्मीद की जा रही है कि बरेली में पर्यटन विकास को पंख लगने वाले हैं। अतीत की कुछ कड़वी यादों को भूलकर आगे की सोचें तो बरेली में पर्यटन कारोबार, इंडस्ट्री, होटल के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं नजर आती हैं। बरेली का जैसा शानदार इतिहास है, वैसा ही बेहतरीन भूगोल भी। यहाँ कुदरत प्यार लुटाती है और जमीनें सोना उगलती हैं। पहाड़ इतने करीब कि कभी मौसम की मेहरबानी से कुमायूं की पर्वत श्रृंखलाएं भी बरेली से नजर आने लगती हैं। मौसमी उतार चढ़ाव जब राज्य के दूसरे इलाकों को ज्यादा तड़पाते हैं, तब भी सर्दी गर्मी बरसात का किसी हद तक संतुलन बरेली में कायम रहता है। आधे यूपी के लोग पहाड़ों की सैर पर जाते वक्त एक पड़ाव बरेली में लेना जरूरी समझते हैं। हर रोज पीलीभीत टाइगर रिजर्व जाने वाले सैलानियों को भी बरेली का आतिथ्य बहुत पसंद आता है। बरेली का यही इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक धार्मिक संरचना पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार खास फोकस कर रही है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को वाराणसी के साथ बरेली का प्रभार सौंपा जाना इस कदम को सीधे तौर पर सरकार की नजर में बरेली के महत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो बरेली 8 बार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का लोकसभा क्षेत्र, मैनपुरी जिले से कई बार के विधायक एवं योगी राज्य में पर्यटन मंत्री का दायित्व संभाल रहे जयवीर सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी एवं बरेली दो अहम जिलों का प्रभार देकर बड़ा टास्क सौंपा है। वाराणसी में जिस बड़े विजन के साथ विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आगे भी होने वाले हैं, वैसी स्पीड अब बरेली में भी नजर आएगी, ऐसी उम्मीद बरेली के कारोबार, इंडस्ट्री और होटल क्षेत्र से जुड़े लोग मान रहे हैं। ऐसी उम्मीद बरेली के कारोबार, इंडस्ट्री और होटल क्षेत्र से जुड़े लोग अभी इसे कर रहे हैं। बरेली में पर्यटन विकास की असीम संभावनाओं के चलते यहाँ होटल इंडस्ट्री तेजी से विकसित हो रही है। फरवरी में होने वाले यूपी ग्लोबल समिट के बाद बरेली में बड़े बड़े होटलों की चेन खड़ी नजर आएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के पास बरेली का प्रभार होने की वजह से होटल इंडस्ट्री की आंखों में और ज्यादा चमक अभी इसे दिखाई देने लगी है। सभी की नजर अब प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह टिकी है, जो जल्दी यहां आकर मिशन बरेली का श्री गणेश करने वाले हैं।